उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। राजनीतिक पार्टियां गठजोड़ में लगी हुई हैं। इसी बीच नई दिल्ली में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश यादव भी मौके पर मौजूद थे। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर दोनों दिग्गजों की मुलाकात की तस्वीरें शेयर की। बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने सोमवार को संसद के सत्र में भी भाग लिया है। अखिलेश ने जो फोटो साझा की उसमें दोनों ही नेता चाय पीते नजर आ रहे हैं। इस मुलाकात के बाद लालू यादव ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि देश के वरिष्ठतम समाजवादी पार्टी साथी आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना, खेत खलिहान, गैर बराबरी, अशिक्षा, किसानों, गरीबों व बेरोजगारों के लिए हमारी साझी चिंताएं और लड़ाई है। आज देश को पूंजीवाद और संप्रदायवाद नहीं बल्कि लोक समता और समाजवाद की अत्यंत आवश्यकता है। बता दें कि जमानत पर बाहर आए लालू प्रसाद यादव अभी तक नई दिल्ली में ही हैं। अपनी बेटी और सांसद मीसा भारती के साथ आवास पर रुके हुए हैं। हाल ही के दिनों में उन्होंने मुलाकातों का दौर शुरू किया है। बीते दिनों उन्होंने शरद पवार से भी मुलाकात की थी। मुलायम सिंह यादव से पहले समाजवादी पार्टी के ही नेता रामगोपाल यादव ने भी लालू प्रसाद से मुलाकात की थी। रामगोपाल यादव भी शरद पवार के साथ ही लालू यादव से मिले थे। खास बात यह है कि मुलाकातें अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले हो रही हैं, जिसे लेकर सियासी हलचलें तेज हैं। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और एनसीपी का गठबंधन हुआ है। इसके अलावा अन्य विपक्षी दल भी समाजवादी पार्टी के साथ आ सकते हैं।